लेट्स डू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.6। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फाइंड फर्स्ट पार्ट इज 64 की पावर 1/2। फ्रेंड्स नीचे जो भी वैल्यू होती है जब भी, तो वो स्क्वायर रूट में इस साइड लिखी जाती है। इसका मतलब होता है जितनी यहाँ लिखी होती है उतने अंदर के पेयर्स बनने चाहिए, राइट फ्रेंड्स। अब देखिए हमें पता है दो पेयर बनने चाहिए, तो अगर मैं इसको 8 × 8 लिख दूं, दो दो का एक पेयर बनना चाहिए, दो दो के पेयर, तो दो का एक पेयर बन गया, तो दैट मीन्स 8 इज द आंसर। फिर से बता रही हूँ नीचे जितनी वैल्यू होती है उतना यहाँ लिखा होता है, जितना यहाँ लिखा होता है उतने 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 चीजों के पेयर बनाते हैं। मतलब दो लिखा है तो दो वैल्यूज के पेयर एक बार बाहर आएगा, यहाँ 3 लिखा होता है तो 3 का पेयर बनता और एक बार बाहर आता, राइट फ्रेंड्स। लेट्स डू सेकंड पार्ट इज 32 की पावर 1/5। देखिए यहाँ 5 लिखा जाएगा, 32 अंदर लिखा गया। अब देखिए यहाँ 5, तो ऐसे फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे जो 5 बार आए। देखिए 32 को 2 से किया, 16, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2, तो ये 5 टाइम्स आ गया। तो 1 2 3 4 एंड 5, 5 का पेयर बना, क्योंकि यहाँ 5 है तो 5 का पेयर बना और एक बार बाहर आ गया, इज द आंसर। लेट्स डू थर्ड पार्ट इज 125 की पावर 1/3। तो ये क्या हुआ, क्यूब रूट ऑफ 125। ये 5 से जाएगा, देखिए 125, 5 × 25, 5 5 and 5 1 0, तो ये क्या आया 5 × 5 × 5, तो ये 3 का पेयर बना, 3 यहाँ लिखा है, एक बार बाहर आ गया, इज द आंसर। थैंक यू। इफ यू अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ऑन मैथ्स एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।